नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये है आपका बीए ऑनर सोशल एंड आर्ट्स का पेपर का सोल्यूशन। मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। मुझे थोड़ा निकलना है, नैनीताल के लिए शूटिंग खेलने जाना है, तो दैट इज़ वाई। लेकिन पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जो भी मैंने किए हैं सही किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार के फैमिली में, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। सी एफ की बहन है, बी ई का ई के पति का भाई है, डी ए का पिता और एफ का दादा है। परिवार में दो पिता, दो भाई एवं एक माँ है। तो पहला क्वेश्चन है कि एफ ई का क्या संबंध है? तो ये पुत्र का संबंध है। ऑल राइट, पुत्र का संबंध है एफ ई से। दूसरा क्वेश्चन है कि ई हु इज ईज हस्बैंड, ई का पति कौन है? तो ई का पति ए है एज पर द स्टेटमेंट। हु इज द मदर, मदर कौन है? तो मदर है ई। हाउ मेनी मेल मेम्बर्स आर देयर इन द ग्रुप? तो ये हैं मेल मेम्बर्स, चार हैं, एक बेटा है, दो भाई हैं और उनका पापा जी है। ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन है कि दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ तथा कानपुर से आने वाले पी क्यू आर एस एन टी छात्र हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हैं। उन्होंने गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान एवं भूगोल किसी एक विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब स्टेटमेंट के आधार पर ये क्लू है कि जिस छात्र ने हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह दिल्ली से नहीं है। कानपुर का छात्र गणित में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, क्यू मेरठ से आता है एवं एस दिल्ली से। चंडीगढ़ का छात्र विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है और पी ने विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है तथा क्यू ने भूगोल में। ऑलराइट, तो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो छात्र है क्यू। ऑलराइट, क्यू वो छात्र है, वो छात्र क्यों है और वो बिलोंग करता है मेरठ से, आपको मैं ये भी बता दूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला किस नगर से आता है? तो वो आता है दिल्ली से और वो है एस। ऑलराइट, सॉल्यूशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चंडीगढ़ का छात्र किस विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो है ज्योग्राफी में और वो है आपका टी, ठीक है ना, उसका टी है वो ज्योग्राफी वाला। इसके बाद है विज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला छात्र किस नगर से आता है? तो वो आता है आपके लखनऊ से, लखनऊ से आता है विज्ञान वाला। ऑल राइट, और वो छात्र है पी। इसके बाद है कि फ्रॉम विच सिटी डज आर कम फ्रॉम, आर कहाँ से आता है? तो आर आता है आपके कानपुर से, जिसने मैथ्स में टॉप किया है। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर एंड एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर तथा एस क्यू साझेदार हैं, एस आर के दाएं हैं जिसका मुंह पश्चिम की ओर है तथा तब Q का मुंह किधर है? तो Q का मुंह कहाँ होगा? पूरब की ओर, बिकॉज दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए खेलते हैं ना कैरम। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के एक झुंड में एक पंक्ति खड़ा है, इसमें दोनों किनारों से 19वां क्रम पर है, तो वर्ग में कितने बालक हैं? तो 18, 36 प्लस एक 37, 37 आंसर है इसका, 39 टिक नहीं है, गलती से वो लग गया है पेन, समझ लीजिए आप। 37 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2। एक और है कि 49 छात्रों के वर्ग में नितिन का स्थान 18वां है, तो अंत से उसका कितना स्थान है? तो 32वां इज द राइट आंसर ओवर हेयर। अब देखिए, यह है कि कुणाल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अतुल, कुणाल अतुल से 40 मीटर दाएं है, दिनेश कुणाल से 60 मीटर दक्षिण है, नितिन अतुल से 25 मीटर पश्चिम है, प्रशांत दिनेश से 90 मीटर उत्तर है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन किए गए हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व कौन है जो कुणाल के बाएं है? तो इस अनुसार प्रशांत होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। इसके बाद यदि कोई बालक नितिन से चलकर अतुल से मिलता है, तत्पश्चात कुणाल, दिनेश तथा प्रशांत से वह कितना मीटर चला यदि वह पूर्णता दूरी सीधी तय करता हो? तो 185 मीटर चला है वो, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओवल इज रिलेटेड टू सर्कल इन द सेम वे रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू स्क्वायर। ऑलराइट, इसके बाद ऑरेंज इज टू पील सो टूथ इज टू इनेमल। अब अगला क्वेश्चन, सुमन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज इन विच डायरेक्शन ऑफ सुमन? तो वो उससे पूरब की तरफ है। ऑलराइट, 18 नंबर क्वेश्चन ये मैथ्स का है कि एक व्यापार में ए तथा बी 3:2 के अनुपात में धन लगाते हैं, यदि पूरे लाभ 5%
चैरिटी को जाता है, एक लाभ अगर 8,550 रुपए है तो कुल कितना लाभ है, तो 14,250, और मैंने ये ऑप्शन से किया है, ऑलराइट, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया लेकिन मुझे भरोसा है कि ये सही है उत्तर। दो व्यक्ति एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए कि दोगुने कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके, एक व्यक्ति और बढ़ेगा तो कार्य दोगुना पूरा हो जाएगा। यह है कि ए किसी कार्य को का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये ऑप्शन सी है 9.3/8 इसका सही उत्तर होगा 20 का। अब मैं सीधा देखो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं किए बिकॉज इट इज़ टेकिंग टाइम और मुझे निकलना है थोड़ा दोस्त, तो मैं आता हूँ सीधा आपके इस पे जनरल नॉलेज पे। अल्जाइमर इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रॉम विच ऑफ द डिजीजेज, तो डिमेंशिया का ये रोग है, डिमेंशिया का, राइट, 49 का ऑप्शन टू होगा। 50 है कि अ पर्सन विथ डायबिटीज मिलिएट्स डज नॉट सिक्रेट, तो इंसुलिन का स्राव नहीं होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी डिजीज, वंशानुगत कौन सा है, तो यह है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन इज लोटस टेम्पल इज रिलेटेड टू, ये बहाई धर्म से रिलेटेड है और आप जाके दिल्ली में देख सकते हैं, आई हैव सीन इट सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट वन इज इन विच प्रोविंस इज द वृंदावन गार्डन लोकेटेड, ये कर्नाटका में है आपके, राइट। नेक्स्ट वन इज कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो ये है आपके चंद्रशेखर, इनमें से चंद्रशेखर जी का सबसे कम टेन्योर रहा है, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी का इनसे भी रहा है कम, बट इनमें से चंद्रशेखर इज द राइट आंसर। अगला है, ये तो आप जानते ही होंगे, भारत में निम्न क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसे भारत रत्न दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जिन्हें सीएनआर राव के साथ में मिला था, वो भी बीएचयू के प्रोडक्ट है सीएनआर राव, आपको मैं बता दूं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में संस्कारों की संख्या क्या थी, 16 संस्कार थे। 59 नंबर क्वेश्चन में डाउट है माय डियर, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट डन 60 नंबर रेलिक्स एज पर द क्वेश्चन। रेलिक्स ऑफ रिलीजन आर फाउंड इन एलोरा, तो कौन से बुद्धिज्म के रिलीज, बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित मिलते हैं बहुत सारे पेंटिंग्स और वो चित्रकारी। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज देयर इन देहरादून। ओके, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग वहीं हुई थी, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है। 63 नंबर की वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, तो ये कुशीनगर में सांस लिया था उन्होंने अंतिम। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज कॉज द ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये नाइट्रेट पॉइजनिंग करता है, राइट। नेक्स्ट वन इज कि टूथ डेके इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय बैक्टीरिया, इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। कोल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लो एंड टू हाई ए प्रेशर एरियाज, ऑप्शन बी इसका सही है, कोल का ये ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफी आप अगर ज्योग्राफी ऑनर्स लेंगे तो बी ए सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे बल्कि। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यता किन महीने में आती है, तो जून से सितंबर तक आती है केरला में, राइट। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम एकमात्र 100% सौर ऊर्जा कुशल संघ शासित प्रदेश है, तो ये है आपका दीव, दमन एंड दीव बोले तो, राइट। नेक्स्ट 169 इज कि किस राज्य में हाल में ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण पूर्ण किया है, तो ये किया है आसाम ने। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है कि हु बिल्ट चार मीनार, चार मीनार को बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट आंसर। विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स, तो इन आंसर में से वैसे गुरु अर्जन देव होगा, नहीं तो गुरु तेग बहादुर को भी उन्होंने चिनवाया था, और यहीं शीशगंज जो दिल्ली में गुरुद्वारा है वो उन्हीं के लिए बनाया गया था, राइट, तो गुरु अर्जन देव होगा वैसे। नेक्स्ट वन 72 बोल रहा है कि बुड स्नैक की प्रजाति जो लंबे समय तक नहीं देखी गई थी हाल में कहाँ पुनः देखी गई है, तो वो देखी गई है आपके मेघामलाई वन जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, ऑप्शन टू होगा इसका सही, 72 का। 73 कह रहा है कि जोमैटो इज व्हाट, जोमैटो इज एक ऑनलाइन रेस्तरा
संदर्शिका एवं खाना यानी फूड की आपूर्ति आदेश देने वाली फर्म है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आप लोग सब के सब जानते होंगे इसको। तो द बुक द थर्ड पिलर हैज बीन ऑथर्ड बाय रघुराम राजन, आरबीआई के गवर्नर जो रह चुके हैं पहले। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह है ईस्टर्न रीजन में। ऑल राइट, 75 नंबर क्वेश्चन, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ऑल दैट एरियाज। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया? तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, चंपारण से। फिर हमें चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितना एज चाहिए? मिनिमम तो 25 साल चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह रक्त नलिका है जो हृदय के रक्त को लेकर जाती है? तो यह है धमनी, आर्टरी। इसका मतलब ये आपका देखिए प्रतिबिंब पूछ लिया दर्पण का, तो ये ऑप्शन सेकंड है मेरे अनुसार। राइट, और भी क्वेश्चन है एक दो? नो, ओके। ये कह रहा है कि द अकरेंस ऑफ, ये तो इट इज डन, इट इज ऑल्सो डन, इट इज ऑल्सो डन, ओके ये है। हाँ, फाइंड आउट वन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो ये इसमें बेसबॉल होगा, क्योंकि बॉक्सिंग, चेस और रेसलिंग ये 1-on-1 खेला जाता है, एक एक लोगों में खेला जाता है, लेकिन बेसबॉल जो है वो टीम बना के खेली जाती है। राइट, अगला ये सीरीज वाला पूछ रहा है कि इनमें से 10th नंबर पूछ ले रहा है आपका, तो 2560 होगा। तो इतना ही मैंने शायद किया है, ऑल राइट, हाँ इतना ही किया है, और बाकी मैं कर देता बट आई डोंट हैव टाइम। लेकिन कट ऑफ कम जाएगा, पक्का कम जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। तो कट ऑफ लिस्ट ही मैं जल्दी ही रिलीज कर देता हूँ, आप लोग तब तक अपना आंसर मैच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, बिकॉज मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए होंगे, दैट इज वाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन।